अगर इस मुल्क ने तरक्की करनी है तो ये मुल्क तरक्की करेगा मोहब्बत से, और ये करेगा तरक्की जबकि हम लोग डाइवर्सिटी को नहीं भूलेंगे। ये मुल्क डाइवर्स है, कल्चरली डाइवर्स है, लैंग्वेजली डाइवर्स है, हर तरीके से डाइवर्स है। हमें इस डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना है, और तब हम इस डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करेंगे तो ये मुल्क आबाद रहेगा। मैं उस बारे में कुछ नहीं कहूँगा। मैंने आपसे कहा, आपने एक सवाल पूछा मोहब्बत का, मैंने आपको जवाब दिया। ये भी आपसे कहूँगा, मैं लोगों से ये भी कहूँगा, सब्र करो। अल्लाह ने कहा है सब्र करो, वो ज़रूर इस मुश्किल से लोगों को निकालेगा, वो दिन आएगा इंशाल्लाह। देखिए मैं आपसे कहूँगा, शैतान हर वक्त रहा है, शैतान हर वक्त रहेगा, मगर कुदरत की ताकत जो है वो बहुत मजबूत है, और ऐसे लोग हैं इस वतन में जो उनके साथ नहीं। यहाँ शैतान बहुत कम है, अल्लाह के बंदे बहुत हैं, और मुझे उम्मीद है कि वो शैतान को बाहर निकाल देंगे, टाइम देंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला हमें मुश्किलों से निकालेगा। हमारा ईमान सही होना चाहिए, हमारा रास्ता सही है। अगर हमारा रास्ता सही है, ईमान सही है, तो अल्लाह ताला हमें बरकतों से नवाजेगा। डेमोक्रेसी ही चलेगी, डेमोक्रेसी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, और हमने उस कॉन्स्टिट्यूशन का हल्ब उठाया है, इंशाल्लाह हम उसको प्रोटेक्ट भी करेंगे, अल्लाह भी उसमें मदद करेगा। जब ये फ्लड्स में इलेक्शन लड़ सकते हैं तो क्यों नहीं लड़ सकते? ये सवाल इस बात का है कि कैसे लड़ना चाहेंगे। मुझे तो अफसोस है कि एक जमात ने कहा कि हमने इसको अलायंस को छोड़ दिया, वो कभी इस अलायंस में थे ही नहीं, तो कैसे वो कहते हैं? वो मेरे दरवाजे पर रोज आते थे, मगर उनका ईमान सही नहीं था, और वो समझते थे कि वो हमें अंदर से तोड़ेंगे। अल्लाह ने पहले ही उनको निकाल दिया। देखिए आप मुझे इतना सियासत में ले जाएंगे, इसका हाथ नहीं है। आप इतना है कि हम लोग अमन चाहते हैं, हम लोग अमन में आगे बढ़ना चाहते हैं, हम नफरतों से निकलना चाहते हैं, हम भाईचारे में आगे बढ़ना चाहते हैं। जो भाईचारे के ख़िलाफ़ है, अल्लाह ताला उनको खुद ही गिराए। फरमानों से कभी तिरंगा उड़ नहीं सकता, तिरंगा दिल में उड़ना चाहिए, तब बात बनेगी। यात्रा जो है वो कश्मीरियों ने हल हर वक्त दिल से किया। जब वहाँ पे उस गुफा में लिंगम दिखा उस मुसलमान को, रहने वाला पहलगाम का एक गडेरिया, वो दौड़ गया उसी वक्त मटन पहुंचा। मटन में उसने कश्मीरी पंडितों के जो बड़े बड़े हैं उनको कहा, मेरे साथ आओ, मैंने आज ऐसी चीज़ देखी है जो मैं हैरान हो गया। कौन था वो? मुसलमान था। कभी भी मुसलमान ने उंगली नहीं उठाई किसी धर्म के खिलाफ, कभी नहीं। यहाँ भाईचारे में रहे, वो हवा आई, नबे में हवा आई, मैं मानता हूँ, मगर वो हमारी हवा नहीं थी, वो कहीं और से आई। उसका खमियाजा आज भी हम भर रहे हैं।